कठपुतली परिचय। कविता हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई है। इस कविता में कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है। कविता। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कविता व्याख्या। पहला, कवि कहता है कि कठपुतली अपनी इस गुलामी से बहुत गुस्से में है और कहती है, यह धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बांधे हैं? तुम इन्हें तोड़ दो, अर्थात मुझे आजाद कर दो, मुझे मेरे पांव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। दूसरा, कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियां बोली। वे कहने लगी कि हमें अपने मन में खुशी नहीं हुई, हम मन से बहुत दुखी हैं। तीसरा, कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जागी है। अब वह सबकी जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी कि क्या सभी स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी, क्या उनका यह कदम ठीक होगा। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा